जो सरमायो शेरी सरमायो छोड़ गया है उनकी किताबत उनकी इशाद को तमने किया है, तो ये बहुत अहसन कदम है। हम सारा तावन करांगा और उनकी फैमिली नाल जितना तावन हो सके जरूर करांगा। और हमारे नाल उनका ब्रदर भी मौजूद है, उनकी फैमिली भी यकीनन पूरी सुन रही होगी, तो वही दसेगा कि फैमिली मेंबर्स कितना है कि उन्हें वो सिलसिलो है। तो जरूर शोरा और अदबा और जरा मुअज्ज़ज़ शख्सियात है कौम की उन्होंने एक इस तरह एक मीटिंग करांगा, तो एक तावन की जो है जो कर सका हम जरूर करने की कोशिश करांगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाल कुलसुम चौधरी साहिबा जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया थारो। मोहम्मद शरीफ कमर साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आला पाया का शायर है। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद इरफान राणा इरफान साहब हैं, और भी बैरूनी ममालिक ने खास तौर पर कतर या सऊदी अरब ने कुछ साथी उन्होंने जुड़े हैं। जरा सरफी साहब या बहुत करीब था, मैं दसना चाहूँ कि मैं भी स्पीकर पैनल में तशरीफ ले आ सके, तम चैट बॉक्स में लिख सको के हम स्पीकर पैनल में ज्वाइन करना चाहवा, था तम अपनो मैसेज डिलीवर करो, हम तमनो इनवाइट भेजा, तम स्पीकर पैनल में आ गए, सामीन भी अपना तासरात रख सके। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा खुदा बख्श ख्याली साहब थे कि मैं अपना तासरात को इजहार करें। मैं बड़ा काफी देर तो सुन रहे हैं, तो बारी बारी मौको देना हो वह मैं माजरत ख्वाह भी हूँ, काफी ताखीर भी हो जाए, लेकिन मैं इतनी खूबसूरती है इस मारा प्रोग्राम में के इतना सब्र भी हम करा और इतना अच्छा ख्याल को इजहार हुआ है। खुदा बख्श ख्याली साहब तम अपना माइक अनम्यूट करो और अपना तासरात रखो। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल आ रही है सर। वो सब तो पहले थारा इस क्लब हाउस को शुक्र गुजार हाँ कि जिन्होंने आज यो जड़ो मारो एक अदबी लोकां पर एक फर्ज बना थो उसमें तमने यो निभान कियो। अल्लाह पाक तमना इसको उजरत अता करे। मिन्ना कोई गुंजाइश नहीं रही हूँ, मुख्तसर काफी दूर दराज रहूँ थारा सारा लोकन तू एक हिमाचल की बाउंड्री पर बसन आड़ो आदमी हाँ। लेकिन जित मरहूम सरफी साहब को मेरी नज़र तू इंटरनेट के जरिए 2 या 4 साल को मुलाकात रही है, मेरी उन्होंने नाल फोन पर भी गलबात हुई और जब उन्होंने पंजाबी में लिखी तो मैं उन्होंने सवाल पूछो कि तमने या पंजाबी सियारफी में दिलचस्पी की तो आई, तो उन्होंने अर्ज कियो कि मेरी पीठ पर हाथ जड़ो रहो है वो हजरत किबला साईं फकर दीन साहब को रहो है। तो उन्होंने वह बड़ी एक मोहब्बत थी पंजाबी से अर्थी लिखे था और मिन्ना भी लगो कि जड़ो इन कलम के अंदर जड़ो दम थो लगा थो कि किसी मजबूत शख्सियत को हाथ है जितू ये ज्यादा सियारफी दरी रिया। और हजरत साईं फकरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो तुम लोग जाने कि वे के था एक चीज या मिना उन्हें की मतलब बड़ी खुश बड़ी पसंद आई। दूजा जिस दिन ये इस दुनिया फानी तू रुखसत हो गया तो मैं एक तासुर आया तो उस दिन दिखियो थो कि हम जितना भी अदबी लोग हाँ आम भी एक दरख्त की जुसो है मारो भी एक जिसम है और जिसम का किसी अंग न दर्द हुआ तो पूरा जिसम न दर्द हुआ। और जितना भी अदीब लोग हैं मिना लगे कि सारा ना इंतहाई दुख हुए हुआ है और इस दुख में तम उनका लाहकीन का ना हम शाना बशाना बल्कि मिना लगे कि मारो ज्यादा नुकसान होया उस फैमिली नालू क्योंकि किसी दरख्त का फूल नालू फूल चढ़ गए उस दरख्त में बड़ो घाटो पै जाए। मेरी यही गुजारिश है जिस तरह मोहतरम जेड़ा लोगों ने उसकी मौत पर शेर लिखे है या कोई तासुरात लिखे हैं वे भी उस किताब के अंदर शामिल करके उस पर जितनों पड़ गए आमना हुक्म करो इब्रार साहब थारे वाले पैसा भी करा और यह किताब जेड़ी है क्योंकि जानो तो सारा नहीं है लेकिन यह एक शायर की इतनी बड़ी मेहनत हुआ कि अपना जिस्म को रस निचोड़ के वो लफ्स लफ्स लिखा और अगर उसकी यात्रा खत्म हो जाए। हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने फरमायो कि अगर मैं कोई अदा नाल ना पढ़ सके तो मेरी कब्र में भी बिना दुख होगा। तो
इसे तरीका नाल शायर मरतो नहीं, शायर मैं इना की फैमिली का लोग सुनता सुनो कि वे जिंदा है, सरफी साहब जिंदा है, वे बिल्कुल हमेशा और हमेशा वास्ते रहेगा और गोजरी अदब के अंदर रहेगा, या एक अलग चीज है कि वे मुंतकिल हो गया मारा नालू। मैं इस चीज ना लेकर चलू, सारा वक्त को मैं खास ख्याल रखता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हम लोगों ने जिस तरह मंजूर कलावी साहब ने फरमायो कि हमने एक इंतहाई सबक देख के गया कि कुल्लू नफसू जायकतुल मौत, हर एक ने मौत को मजो चखनो है। दूजी हमने वे इंफॉर्मेशन दे के गया है कि ए लोगो कलम खस ली मेरा कुलू और मेरे वो कागज भी खसे गयो और तम भी तैयार रहो इस काम वास्ते, तमने भी कल इससे दरवाजा तू गुजरनो है जिस दरवाजा तू वो गुजरियो। एक बहुत बड़ो सबक दे गया, हमने आखिरत की तैयारी भी करनी है और नाल नाल अपना अदब न संभाल के रखना। दूजी उन्हें मोहतरम फरमा रहा था कि उनका बच्चा उनके लवाकीन वास्ते, हमने तो पतो नहीं कि घरेलू हालात उनका कैसा है, लेकिन हम पर फर्ज बना कि अगर उस किस्म की कोई कंडीशन है तो तारिक साहब ने मेरी गुजारिश है या उनका जेड़ा करीबी है ये अपना शाद साहब है तो वह भी हम एक डोनेशन करके उन बच्चा ना मदद करेंगा। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सरफी साहब ने सत्ता जनता में आलाकी न सबरे जमील ता फरमावे, उनका ब्रादर है इत और वे इस चीज ना मेरी खाकसार की या चीज चले कि हम भी उनका पाइया वक्तन फक्तन किसी चीज की जरूरत को है, हम पैदा ही ताए होया कि इंसान का इंसान काम आवे, तो वे तुम्हारा नालू एक जुस्सा नालू जुस्सो जुदा हो गयो, वे तुम्हारा अपना था। अल्लाह पाक तमना में खुश रखे और तारिक इब्रार साहब ने मैं आखिर में मुबारकबाद, छोटी उम्र में सत के अंदर इस किस्म का काम कर रहे हैं कि कूणा कूणा का लोका ना जोड़ गया खुल फुर बहुत बहुत शुक्रियो खुदा बख्श ख्याली साहब, तमने जिस अंदाज में जिस लहजा में जिस खलूस नाल जड़ो है खराज अकीदत पेश कियो है, हम शुक्रगुजार हैं थारा और तमने थारी जड़ी ताजियत है, थारो जड़ो पैगाम है।